Hey guys, this is Krishna from Bengaluru, Mahaguru ki city se. You are watching Sunday wala blogger. जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम बेंकी फॉल्स गए थे, बेंकी फॉल्स या गनालू फॉल्स बोल सकते हैं उसको भी, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे परमिशन ना मिलने की वजह से हमको रिटर्न आना पड़ा। तो अभी हम पास में एक 20 से 25 किलोमीटर दूर के अंदर एक अच्छा सा प्लेस मिला जिसका नाम है मुतती। मुतती जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि कर्नाटक में है। तो बेंगलुरु से हम कनकपुरा रोड से आएंगे तो 114 किलोमीटर, नहीं तो रामनगर से आएंगे तो हम कुछ 110 किलोमीटर के दूरी पे ये पड़ता है। और ये बटावाना फॉरेस्ट सेक्टर जोन के अंदर आता है। सो उसके लिए आप लोगों को पहले गेट चेक पोस्ट पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो या फिर परमिशन लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट जोन के अंदर आता है। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आते जाते हैं, सिंगल रोड है, थोड़ा सा डेंजरस जैसा लग रहा है। और हम लोग आराम से बढ़ेंगे आगे और स्पीड नहीं जा सकते क्योंकि ये फॉरेस्ट जोन के अंदर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घाटी तो नीचे देख सकते हैं कितना गहरा है। तो ये आने के टाइम दिखाऊंगा मैं ये कैसा है। अभी तो पहले जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। प्लेस तो कुछ तगड़ा दिख रहा है। और घाटी बहुत ही खतरनाक होता है हर टाइम, कोई भी घाटी हो तो बी केयरफुल, आराम से जाना चाहिए। देख रहे हैं ना, कभी ऊपर चढ़ रहे थे अभी नीचे उतर रहे हैं घाटी के नीचे। तो वो ये है वो नदी, वहाँ से जो आता है ये भी है वही। तो शायद हम जा नहीं सकते पास में क्योंकि प्लेस तो ज़बरदस्त है, बट जा नहीं सकते, थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे लोग गए हैं तो पहले हम आते हैं वहाँ से, उसके बाद जाएंगे इधर। ये हिरन देख रहे हैं ना, हिरन। एक बार विजिट करना तो बनता है यार प्लेस देख के। सो फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं मुतती टेंपल के पास। ये अंजन देवस्थाना है, अंजन देवस्थाना मतलब हनुमान जी का टेंपल है, और उसी लिए यहाँ पे बंदर ज़्यादा हैं। तो इस जंगल में और कुछ है यह नहीं पता नहीं, बट बंदर में बहुत ज़्यादा दिखा हूँ, और आगे भी आप लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि वहाँ पे देखे मुतती टेंपल है, वो कौन सा भगवान जी पता नहीं बट क्लोज है अभी। और यहाँ पे जा बहुत सारे बंदर हैं। और यहाँ पे ये है नदी, ये है कावेरी नदी जो कि मैकेडट होते होते संगम को जाता है। वो फिर कभी जाएंगे हम मैकेडट और संगम के साइड, आप तो नहीं जा पाएंगे। तो आज यहाँ का कुछ व्यू और कुछ जो बोलते हैं ना नेचर का ब्यूटी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ मज़ेदार शॉट देखते हैं। जाने वाले थे कहीं, आके पहुंच गए कहीं, पता नहीं वहाँ पे जाने वाले थे या नहीं, बट वहाँ पे जो आप लोग देख लिए क्या है क्या है पहले एपिसोड में, यह है नेक्स्ट सेकंड एपिसोड जहाँ पे मुदतियाँ हैं पास में ही है। वहाँ से कुछ 18 से 20 किलोमीटर के अंदर आता है ये। और यहाँ पे कावेरी नदी, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो मैकेडट मिलेगा, उससे आगे थोड़ा जाएंगे तो संगम मिलेगा, तो वह तो फिर कभी जाएंगे। बट यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेस है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं और दो चार सिनेमेटिक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या है स्पेशल और कुछ है या नहीं है, या थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं या नहीं, तो वो बात के बाद। Thank you.
टेम्पल, और टेम्पल के ठीक सामने ही कावेरी नदी बह रहा है जो कि मेगाडोट के साइड और संगम के साइड जाता है। तो हम टेम्पल के पास से थोड़ा दूर 600 मीटर दूर आ चुके हैं, दूर मतलब पीछे आ चुके हैं, जहाँ पे पहले मैं दिखा रहा था वहीं पे है ये। तो वहाँ पे हम आ चुके हैं अभी। तो वहाँ पे ज़्यादातर कुछ नहीं था दिखने के लिए, नदी के पास सिर्फ नदी था, और यहाँ पे थोड़ा सा नदी को अटैच करके कुछ थोड़ा सा था जो कि जहाँ पे थोड़ा सा नदी के अंदर भी जा सकते थे। तो यहाँ के लिए मैं निकल आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या स्पेशल है, और आप आते हैं तो आप क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को। बहाव ज़्यादा है जिसकी वजह से साउंड आ रहा है बहुत ज़ोर से, और ये है पूरा सिनेरियो। तो ट्राई करेंगे वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाने के लिए, देखते हैं वो जा पाते हैं या नहीं, बट पता नहीं जा सकते या नहीं, बट तो ट्राई तो करेंगे वहाँ पे जाने के लिए। चलिए वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे जाने के लिए, बट तो पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, बट ट्राई तो करना बनता है। तो ये हेलमेट भी उठा लिया, अभी चलेंगे उस साइड थोड़ा सा देखने के लिए जा सकते हैं कि नहीं। बाइक वहाँ पे रख के आया हूँ, पता नहीं ये लोग मीन्स ये लोग नहीं, ये जानवर बंदर है, तार बार कोई काट उड़ दिए तो गया सत्यानाश। ये है पूरा कावेरी रिवर, और वहाँ से जो नदी आता था जो मैं गया था, इसको लोग यहाँ पे कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं। पानी का बहाव जब ज़्यादा रहता है तो यहाँ तक भी आ जाता है पानी का बहाव। तैरना घुस जाए अंदर आराम से आ गए, तो हाँ जा सकते हैं वहाँ तक। जाना है क्या? तो चलिए चल। ये बंदर मेरा पीछा क्यों कर रहा है पता नहीं, ये बंदर आ रहा है ना मेरा पीछा कर रहा है, मैं बाइक रखा तब से मेरा पीछे में पीछे पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तो यहाँ से जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो ये पूरा साइड डूब जाता है, हाँ शायद ये पूरा डूब जाता है पानी में। प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, फिसलन भरा नहीं है तो आराम से जा सकते हैं। जैसे कि मैं अंदर हूँ, यदि पानी का बहाव ज़्यादा हो गया सारा मैं तो यहीं पे रख जाऊँगा, बट वो तो एक दूसरी बात है कि तैरना आता है। अरे रे रे रे, क्या तगड़ा मछली है वे, अरे रे बहुत ही तगड़े तगड़े मछली हैं इधर।